बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। नाउ कमिंग टू द एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी वीडियो, आई विल डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट टू। एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी वीडियो, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट टू। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, पीएचडी फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। नाउ कमिंग टू द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, अगर प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में अगर कोई इशू है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, अदरवाइज वी शुड गो नेक्स्ट टुवर्ड द अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो मेरा इस वीडियो को आप गेट कर सकते हैं फ्रॉम माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल मालिक ऑफिशियल, उसे आप ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एंडोक्राइनोलॉजी, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है बेसिकली, इसमें साफ जरा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो इसमें मौजूद होते हैं, समटाइम वी कैन ऐड द अदर ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को भी हम शामिल करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। तो इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन इन द बॉडी, सबसे बड़ा एंडोक्राइन सिस्टम है। अगर देखा जाए इसमें लीवर भी है, पेंक्रियाज भी है, बहुत सारे इसमें ग्लैंड, सारे तकरीबन ग्लैंड इस्तेमाल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो फाउंड, जो विद डक्ट ग्लैंड होता है, डक्ट लेस ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंड द एंडोक्राइन सेल्स विद इन इट आर रेफर्ड टू एज एंटेरिक एंडोक्राइन सिस्टम। एंटेरिक से मुराद है कि इंटेस्टाइन का, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन का जो नर्वस सिस्टम है उसको कहा जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो लिहाजा एंटेरिक फीवर, जो टाइफाइड फीवर को कहा जाता है एंटेरिक फीवर, तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। Three of the best produced enteric hormones are gastrin, secreted from the stomach and plays an important role in gastric acid secretion. में बहुत role है. VIP, secretin, motilin and many other hormones, the glands are there. L cells and K cell, GLP-1 जहाँ से बनता है, shown in the figure in the coming next. तो उसमें हम जाके देखते हैं इसकी detail. सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ stomach है, स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं। सबसे पहले घ्रीलिन है, घ्रीलिन जो है हमारी डाइट को कम करते टेक करवाता है, अगर ये ठीक हो, हंगर को यानी ये इंडिकेट करता है, यानी अगर कॉमनली ओबेसिटी हो जाए तो घ्रीलिन जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि वो हंगर को पता नहीं चलता, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाता रहता है, तो ये कंट्रोल करता है हंगर को। ग्रोथ हार्मोन रिलीज यहाँ पे होता है और गैस्ट्रिन रिलीज होता है, जो कि स्टिमुलेट एसिड सेक्रेशन, HCL सेक्रेशन में हेल्प करता है। और से देखने आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कोलीसिस्टोकाइनिन, कोलीसिस्टोकाइनिन वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलीसिस्टोकाइनिन यहाँ पे गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन को हेल्प करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी को कंट्रोल करता है, पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रोल फिर से देखें, स्क्रीटन सिक्रीट करवाता है, पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेक्रेशन में हेल्प करता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की भी मैं बात करता हूं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये वाले जो है ये लार्ज में दिखाए गए हैं गलती से। तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये GLP-1 है, इनक्रीटिन एक्टिविटी को, स्टाइटेशन, स्टाइटेशन को बढ़ाता है, यानी हमें भूख कहते हैं, हम सैर हो गए, स्टाइटी हो गई, तो स्टाइटेशन उसको कहते हैं, स्टाइएशन। इसके बाद GLP-2 होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी एंड ग्रोथ में हेल्प करवाएगा। ऑक्सेंटोमोडुलिन स्टाइएशन को बढ़ाएगा, एसिड सेक्रेशन को, PYY ये हार्मोन है, स्टाइएशन को, स्टाइटी को बढ़ाता है, यानी हमारी भूख को कम करवाता है। इनके ऊपर अब नई रिसर्च आ रही है, इसके ऊपर तो ड्रग्स आ चुके हैं, GLP एगोनिस्ट है, डायबिटीज में ये ड्रग्स इस्तेमाल होती है, PYY और ये वाली जो ड्रग्स हैं ये बनाई जा रही है ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज के लिए बनाई जा रही है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। इसके बाद इंसुलिन एंड ग्लूकागन पेंक्रियाज से साफ जरा निकलेगा, और ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में बड़ा रोल है, क्योंकि ग्लूकोज भी हम जब इनटेक करेंगे खाने के थ्रू जाएगा, तो 60% हमारी डाइट में ग्लूकोज भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है, उसकी एमाइलेजेस होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को और वो यूनिट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इनके ऊपर भी ड्रग्स बनाई जा चुकी हैं, कार्बोज है, मल्टीपल अदर ड्रग्स हैं जो इसको इनिबिट करती हैं, अल्फा अमाइलेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड में अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक मोटेलिटी
स्टाइगेशन जो है स्टाइटी को ये बढ़ाती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है गेस्टेंट मोर्टैलिटी को भी इन्हांस करेगी। तो मल्टीपल यानी जो एंडोक्राइन इनके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाए गए। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ ब्लड इज सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली बात होगी कि सीलिएक आर्टरी जो है इज फर्स्ट मेजर ब्रांच फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से जो सीलिएक आर्टरी है एब्डोमिनल एओर्टा से निकलेगी। एओर्टा के भी टाइप्स हैं, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, इसके बाद जो अगर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर थोरेक्स एओर्टा, थोरेक्स कैविटी में जो और थोरेसिक कैविटी में होगा, इसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा। अब देखें कितने फर्क आ गए। एब्डोमिनल एओर्टा से फिर डिवीजन होती है हमारे लेग्स की तरफ, लिम्स की तरफ जाएगा। तो लिहाजा एब्डोमिनल एओर्टा से ही डाइजेस्टिव एब्डोमिनल कैविटी में ये सीलिएक आर्टरी बनती है, वहां से निकलती है। तो आगे फिगर में दिखाऊंगा। एंड इज ओनली मेजर आर्टरी दैट नरिशेज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, को ज्यादा नरिश करती है यानी उनको प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन। ब्लड प्रोवाइड करेगी तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है साथ साथ। तो देयर आर थ्री मेन डिवीजंस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी जो स्प्लीन को प्रोवाइड करती है। लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड है क्योंकि स्टोमिक लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, इसलिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये ज्यादा इसको प्रोवाइड कर रही है। कॉमन हिपेटिक राइट साइड पे जो लीवर को देगी साफ जरा, इसलिए हम राइट साइड पे यहाँ पर नहीं बता रहे। कॉमन हिपेटिक आर्टरी जो कॉमन हिपेटिक को भी देगी और इसको भी देगी, और स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे समझना वापस कैसे जाएगा ब्लड, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनस ब्लड फ्रॉम जीआईटी ड्रेन्स इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन्स। ये सारा जीआईटी का अपर जीआईटी, मिड जीआईटी या गट है, और लोअर जीआईटी में से यानी सीकम और उसमें से हम बात नहीं कर रहे, लोअर गोलॉन से, क्योंकि उसमें कुछ रेक्टम से जो है वो अलहदा भी चला जाता है पोर्टल वेन के अलावा और जगह पे भी चला जाता है। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, और से आप सुनेंगे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दीज टू वेसल्स आर देन जॉइंट बाय स्प्लीनिक वेन जस्ट पोस्टीरियर टू नेक ऑफ द पैनक्रियास टू फॉर्म पोर्टल वेन। ये सारी ज्वाइन होंगी मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर ऊपर वाली को कहा जाता है, इंफीरियर नीचे वाली को। अपर गट को सुपीरियर वाली देगी यानी स्टामिक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लोअर लार्ज इंटेस्टीन है, रेक्टम है, उन एरिया से जो कलेक्ट करेगी वो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन होगी। इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ये भी एब्डोमिनल जो वेन होती है एओर्टा की, इसकी वेन की यानी जो उसकी है स्पेशली, वो उसकी तरफ देगी, वेना कैवा की तरफ देगी उसको, एब्डोमिनल वेना कैवा जो पोर्शन होगा उसका। तो लिहाजा ये जो है टू वेसल्स आर देन जॉइंट टू बाई स्प्लीनिक वेन, आपस में मिलती हैं पोस्टीरियर टू नेक ऑफ पैनक्रियास के नेक पे टू फॉर्म पोर्टल वेन। दिस देन स्प्लिट्स टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ईच सप्लाइंग अबाउट हाफ ऑफ द लीवर, और ये दोनों हाफ ऑफ द लीवर को इधर उधर प्रोवाइड करती हैं दोनों साइड के। लीवर के भी आगे फिर डिवीजन है, क्वाड्रेंट्स है, तीन चार जो उसके डिवीजन पार्ट्स है, तो उसमें फिर ये प्रोवाइड करती है, वापस लेके जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सवाल जो है फार्माकोलॉजी में ज्यादा पूछा जाता है, हिपैटिक रीसर्कुलेशन किसे कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन किसे कहते हैं, और हमारी सबसे पहले जो है अब्सॉर्प्शन कौन सी होगी, फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होगा, सारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको प्रॉपरली अगर ये समझ आ जाती है कि ये सारा डाटा जो है यानी जो ब्लड है न्यूट्रिएंट्स है कलेक्ट करके हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर की तरफ जाएगा, लीवर जो है फिर उसको वेना कैवा की तरफ देगा और वो हार्ट की तरफ चला जाएगा, वहाँ पे आर्टरी वेन्स होती हैं जो उसकी तरफ वीनस ड्रेनेज करेंगी, और फिर हार्ट के सुपीरियर जो यानी चैम्बर है उसकी तरफ वो डाल देंगे। सुपीरियर चैम्बर से मतलब राइट एट्रियम, उसकी तरफ लेके जाएंगे वापस। बहरहाल अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक है इंफीरियर वेना कैवल वेन है, कैवल से मतलब कैवा, वेना कैवा, वेना कैवा जैसे हम पढ़ते हैं, कैवल भी पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इंफीरियर नीचे वाली जो है, नीचे से लेके कैसे जाएगी ये वापस लेने के लिए, ये ब्लड एओर्टा है लेके आ रही है, ये वापस लेके जा रही है, तो ये ब्लड की सप्लाई के बारे में बता रहे हैं। ये सप्लाई हुई तो सीलिएक आर्टरी यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा से डिवीजन होगी, कहाँ चली गई, राइट साइड वाली हिपेटिक आर्टरी बना लेगी, लेफ्ट साइड वाली स्टोमिक को देगी, फिर उससे स्प्लीन को देगी और उसके साथ पैनक्रियास को देगी, एक ही देखें सीलिएक आर्टरी देखें।
फिर हम नीचे चले जाए, स्पीरियन मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये नीचे वाली है। स्पीरियन मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ देगी? पैंक्रियास को देगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को देगी और कोलन को देगी, लार्ज इंटेस्टाइन को। इसके बाद इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ द कोलन को देगी, लास्ट पार्ट ऑफ द कोलन या इंटेस्टाइन जो कोलन है उसके। इसलिए कुछ पोर्शन ये डायरेक्ट भी चले जाते हैं और ज़्यादातर जो हिपेटिक पोर्टल वेन्स यहाँ कम देखें वापस सप्लाई हो रही है यहाँ से, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है इनडायरेक्टली भी जाते हैं, डायरेक्टली भी जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि इनडायरेक्ट पाथवे में ये सारे जो कनेक्शन हो रही है हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जा रही है। ये सिनुसाइड्स ऑफ द लीवर हैं, ये सारे हिपेटिक पोर्टल वेन है। हिपेटिक का मतलब लीवर को कहा जाता है, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। ये सारे इसको प्रोवाइड करेंगे, ये भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी सारा कलेक्ट होकर जा रहा है और ये हिपेटिक पोर्टल वेन जो है केवल इंफीरियर वेना कैवा जो आ रही होती है अबडोमिनल उसे कहते हैं, ये भी अबडोमिनल, ये भी अबडोमिनल, इसको वापस राइट एट्रियम की तरफ लेके जाएंगे। थोरैसिक एरिया में जाएगी, अबडोमिन से क्रॉस करके थोरैसिक में, थोरैसिक से फिर थोरेक्स के बाद जो है वो हार्ट की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द लिम्फेटिक सप्लाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल कि लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट, कि ये जो हमारी इम्यूनिटी का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, जरूरी है। इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज इन जनरल फॉलोज ब्लड वेसल सप्लाइंग स्टोमिक एंड ड्रेनेज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फोर ग्रुप्स। ये मैं फिगर में दिखा दूंगा। ग्रुप वन रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्टोमिक, अकुम्बनीज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांचेस एंड ड्रेन इनटू द स्पीरियर गैस्ट्रिक वेन्स, स्पीरियर गैस्ट्रिक वेन में उसको वापस डाल देता है। तो ये बहुत बड़ा गढ़ है एक लिहाज से देखा जाए। लिम्फेटिक सिस्टम इज वेरी हाई इन द इंटेस्टाइन, क्योंकि सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी इसे कहा जाता है इंटेस्टाइन को या हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो लिहाजा इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें फैट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंटेस्टिनल विलस है, ये विलाई हैं जो विलस इसको कहा जाता है, सबम्यूकोज़ा है और यहाँ पे लिपिड्स जो लेयर हैं, फाइलोपोडिया इसे कहा जाता है, फाइलोपोडिया जो उसकी लेयर है ऊपर वाली। इसके अलावा स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं और मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं, थोरैसिक डक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे हो रही है, इस तरह की एक सर्कुलेशन का प्रोसेस है। ये ड्रेनेज करवा लेते हैं और उसमें एंट्री हो रही होती है, हमारे जो ब्लड लेके जा रहे होते हैं उनमें स्क्वीज होके कुछ ब्लड जो है इनकी तरफ चला जाता है और यहाँ से वापस जो ब्लड आ रहा होता है ड्रेनेज करके, उसमें वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है मेजर पार्ट्स हैं इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में, रेड ब्लड सेल इसमें कम होते हैं। अब यहाँ पे नर्व सप्लाई की तरफ अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे तो साफ जरा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और CNS इज द मेजर पार्ट्स। जो विसरल ऑर्गन है उसको कौन सा सिस्टम जो काम करवाता है? वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। हम इसको नहीं कहते चलाओ जी सिस्टम, बंद करो सिस्टम। हाँ, कुछ सिस्टम जैसे हमारी ओरल कैविटी है वो हमारे अपने हाथ में है, जिस वक्त हम खाना खाएं, जिस वक्त ना खाएं, लेकिन अंदर वाले जो मोटेलिटी है वर्किंग वो कंटिन्यूसली हो रही है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दे आर वर्किंग प्रॉपरली, उसमें वर्क कर रहा है। इसका सिस्टम अगर देखना चाहते हैं नर्वस सिस्टम का, पैरासिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दिया हुआ है, मैंने डिटेल में चैप्टर वो अवेलेबल है, 4 उसकी पार्ट्स हैं। इसके अलावा CNS के भी 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, अगर देखना चाहें वहाँ से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनर्वेटेड, नर्व सप्लाई करना इनर्वेशन का मतलब है, बाय 2 लार्ज सीलिक गैंग्लिया होते हैं। सीलिक गैंग्लिया ये बने, लार्ज सीलिक गैंग्लिया वो इसको प्रोवाइड करते हैं सिंपैथेटिक में और पैरासिंपैथेटिक में, विद अपर पार्ट ऑफ द ईच गैंग्लियन जॉइंट बाय ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व एंड लोअर पार्ट जॉइंट बाय लेसर स्प्लेनिक नर्व्स जो हैं वो लेसर स्प्लेनिक नर्व जो है उसको प्रोवाइड करती है। यहाँ से देखें जो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है वो ऊपर वाले, क्योंकि क्रेनियो सेक्रल होता है, ब्रेन से आता है और सेक्रल रीजन से आता है, ये वाला तो आपको आसानी से समझ आ गया। ये वाला होता है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और ये प्रोवाइड करेगा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में थोरैको लंबर थोरेक्स के जो थोरेसिक रीजन होता है और लंबर रीजन से कुछ जो नर्व्स हैं अराइज होती हैं जो कि हमारे GIT को प्रोवाइड करते हैं अपर एंड लोअर पार्ट्स को। इट इज फ्रॉम दीज गैंग्लिया दैट मेनी ऑफ गैस्ट्रिक प्लेक्सेस अराइज। तो ये गैंग्लिया मैं इसको इलाज करके दिखाता हूँ, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ तो फिगर इतनी क्लियर नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रॉपरली दिखाया जाए आपको। अब यहाँ पे देखें आपके सामने
अगर हम बात करें पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की, दैट राइज फ्रॉम द क्रेनियो क्रेनियल सेक्रल, उसमें वेकस नर्व है, टेंथ क्रेनियल नर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हिस्सों को थोरेक्स कैविटी में, अबडोमिनल कैविटी में प्रोवाइड करती है। लिहाजा यहाँ पे हम अबडोमिनल कैविटी से एसोफिकस को भी देगी, स्टोमिक को भी दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में से सेक्रल रीजन से आ रहे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनएस रेक्टम तक दे रही है, यानी रेक्टम और एनएस तक दे रही है। देखिए सारा ब्लड इनकी नर्व सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। इसके बाद सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये वाला हिस्सा है, ये ब्रेन वाला हिस्सा था ऊपर वाला, यहाँ से थोरेक्स वाले रीजन में 12 नर्व्स होती हैं, 12, लेकिन उनमें से कुछ जो 12 नर्व हैं पूरी यूज होती हैं, इसमें सीलिया गेंगलियान बना लेते हैं, ये गेंगलियान बना लेते हैं, गेंगलियान एज द सिंगुलर, गेंगलिया एज द प्लुरल, और ये सारे स्टोमिक के अपर पार्ट्स को ये जीआईटी को प्रोवाइड करते हैं, ये जो एरो जा रहा है। इसके बाद अगर लोअर हम बात करें, सुपीरियर मेसेंटेरिक गेंगलियान है और इन्फीरियर मेसेंटेरिक गेंगलियान है जो लोअर कोलन को और लार्ज इंटेस्टाइन को ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाले जो लंबर से भी जा रहे हैं और कुछ थोरेक्स से भी जा रहे हैं, ये लंबर एरिया L1 से L2 जो है ये इनको प्रोवाइड करते हैं। वेरी क्लियर है ये पिक्चर, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, तो परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन में देखा जाए तो फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब फूड, मेजर फंक्शन तो ये है। बहुत सारे एडिशनल फंक्शन भी हैं, यानी इम्यूनिटी का काम करती है, नॉर्मल फ्लोरा इसमें पाया जाता है, म्यूचुअलिज्म का काम करती है, इसमें बहुत सारे और भी फवायद हैं, चीज़ें यहाँ से गुजर के जाती हैं, मेटाबॉलिज्म का काम करती है, तो मल्टीपल एक्सक्रीशन का भी काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, ये भी हेल्प करती है। इसके अलावा लीवर है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और भी बहुत सारे फंक्शन है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, और ये इसके बारे में डिटेल जो है वो नेक्स्ट फिगर में बताई गई है। इसमें देखें आपको और से पता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शन मेजर ये कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात की जाए तो एसोफिगस की अगर बात करें, न्यूरो ट्रांसमिशन, मसल कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कर रही है, प्रेस्टालिटिक मूवमेंट जो हो रही है वो भी एसोफिगस भी कर रही है। इसके अलावा स्टोमिक में न्यूरो ट्रांसमिशन है, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलीन के रिसेप्टर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस के रिसेप्टर्स हैं, मल्टीपल अदर रिसेप्टर्स आर ऑल्सो फाउंड, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन की जो रिसेप्टर वहाँ पे जा रहे हैं, जो ये कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मसल कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का जो काम है वो भी चर्निंग मूवमेंट हो रही है, जो स्टमिक ये काम कर रहा है, ये आप देखेंगे फिजियोलॉजी में इसके बारे में मजीद डिटेल होगी कि कैसे ये वर्क करते हैं। इसके अलावा हम लीवर की तरफ देखें तो यहाँ पे प्रोलीफ्रेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, विटामिन के रिलेटेड कोआगुलेटिंग फैक्टर जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी करता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जीआईटी से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं उसके लिए ये काम कर रहा है बेसिकली। पैंक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है, इंसुलिन सेक्रीशन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोलीफ्रेशन एंड अपोप्टोसिस का काम करेगा, और हमारे जो नीड के मुताबिक ग्लूकोज को कम करेगा बॉडी के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, डायबिटीज ना हो, इसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोलान की अगर हम बात करें, न्यूरो ट्रांसमिशन है, क्लोराइड सिक्रीशन है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन है, मसल कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन है, बहुत बड़ा रोल है इसका भी कोलान का। कोलान की भी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जैसे डाइवर्टिकुलाइटिस है, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज है, सीलिएक डिजीज है, मल्टीपल कैंसर्स हैं कोलान के, सिग्मॉइड कोलान के कैंसर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें देखी गई हैं। तो अब हम जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ कि अगर जीआईटी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे, क्या कैसे देखेंगे उसको, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोई और चीज़ करवाएंगे। फॉर एग्जांपल एक टाइफाइड फीवर हुआ है जिसे इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, तो कैसे टेस्ट करेंगे, सेल्मोनेला टाइफी का जो विडाल टेस्ट है वो करवाएंगे, इस तरह जो फीसिस के टेस्ट करवाएंगे, ब्लड के टेस्ट करवाएंगे, स्पेसिफिक हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे मौजूद है या नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। समटाइम्स क्लोनोस्कोपी है, अपेंडिक्स के लिए आप लेप्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं, वो हम डायग्नोसिस करेंगे तो पता चलेगा कि अपेंडिसाइटिस है या क्या चीज़ है। क्लोनोस्कोपी कोलॉन की जो स्कोपी करते हैं ना चेक करने के लिए, यानी रेक्टम के थ्रू ये जाती है, ये एंडोस्कोपी भी करते हैं हम समटाइम, मुंह के थ्रू ये नीचे देते हैं कि स्टोमिक में अल्सर तो नहीं है, अपर जीआई एंडोस्कोपी है, कैप्सूल एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कुलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ये कोला इसको पेंक्रियाज को टेस्ट करने के लिए कि वो सही रिलीज कर रहा है
जो ग्लैंड्स या निकर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्योंकि पेंक्रियाज इज डुअल ग्लैंड्स, इसके बारे में भी नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं जो पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज क्योंकि दो काम करता है, मेजर उसका फंक्शन है डाइजेशन, और 97% जो है वो एक्सोक्राइन एक्टिविटी रखता है, जो हमारी अब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फिर उसके अलावा जो है 2% to 3% जो है एंडोक्राइन एक्टिविटी है, जिसमें ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, मल्टीपल अदर ग्लैंड्स आते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। मैनी सर्जिकल प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज इंक्लूड प्रोसीजर डन यूजिंग एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी वगैरह की जा सकती है। बहुत क्लियर उन्होंने बताया, दिस इज दी डायग्नोसिस ऑफ स्टोमिक अल्सर है, कोई चीज़ है इसको टेस्ट करेंगे, ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेलिकोबैक्टर पैलोरी है वो अल्सर काज करता है, या अदर कोई आप एनसीड्स ज़्यादा ले रहे हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एस्प्रिन है, या अदर एनसीड्स हैं बैक्लोफिनिक सोडियम है या अदर है, तो उसको अगर हम प्रोफीन है तो ये ले रहे हैं तो वो भी ये टॉक्सिक काज करती हैं, हेमरेज काज कर देती हैं स्टोमिक का, अल्सर पेप्टिक अल्सर काज करती हैं, ड्यूबिनल अल्सर काज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये डायग्नोसिस के मेथड्स बताए उन्होंने कि हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। तो अब आते हैं माइक्रोस्कोपी की तरफ, माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं इसमें माइक्रोस्कोप की मदद से। कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा, फ्लोरा इज स्पर्स इन द स्टोमिक, इसमें कुछ जो स्पेसिफिक रह सकते हैं स्टोमिक में, एसिडिटी ज़्यादा होती है 1 to 3 होती है, तो वहाँ पे कुछ जो हेलिकोबैक्टर पैलोरी है कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं उस एसिडिक इन्वायरमेंट में, वो रह सकते हैं, बाकी इस दर रह नहीं सकते। फिर अपर इंटेस्टाइन है, यहाँ पे भी कुछ एसिड का होता है कि ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टे नहीं करते स्टोमिक में और इंटेस्टाइन में कुछ, तो ज़्यादातर जो लग्जरियंट हैं इनकी प्लेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन। लग्जरी प्लेस से मुराद है कि वो जहाँ पे ज्यादा रहते हैं, ज्यादा कॉलोनीज हैं उनकी, और ये फीटस में नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आफ्टर बर्थ जो है जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है या फीटर से दिया जाता है या हाथ लगाया जाता है तो वो एंटर हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से और वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, म्यूचुअलिज्म करते हैं, हमारे साथ हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, सिंथेसिस करवाते हैं, विटामिन के विटामिन B12 है, मल्टीपल आकर हारमोन्स की बनाने में हेल्प करते हैं। तो लिहाजा बैक्टीरिया अकर बोथ इन ल्यूमेन एंड इज अटैच टू द म्यूकोसा बट डू नॉट नॉर्मली पेनिट्रेट द बाउल वॉल, यानी बाहर से म्यूकोसा तक ये महदूद रहते हैं और अंदर जो है वो दाखिल नहीं होते बाउल के अंदर, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नॉर्मल हैं, लेकिन सम टाइम अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, या इम्यूनो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का है, तो वो फिर इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया है ईकुलाई है, एस्कर्शिया कुलाई कहते हैं, ये काज करती है डायरिया काज कर लेती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करती है, मल्टीपल डिजीजेज हैं इसके, सेल्मोनेला टाइफी टाइफाइड फीवर काज करता है जो बुखार होता है, एंटेरिक फीवर भी इसे कहते हैं। इसके बाद शजीला है, ये भी GIT डिजेंट्री काज करता है, कैंपेलोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, टैटनाई है, टैटनस भी काज करता है, जो रोड के ऊपर गिरता है बंदा तो क्लोस्ट्रीडियम टैटनाई जो है वो काज करता है। इसके अलावा परफ्रिंजन भी होता है, डेफिसिल होता है जो कि GIT में डायरिया वगैरह काज करता है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल। वायरसेस में नॉरवॉक जो एजेंट हैं, रोटा वायरसेस हैं, ये जो है GIT प्रॉब्लम काज करते हैं। पैरासाइट्स में GIRDIA, लैम्बलिया, इसके अलावा एंटाबिबा, हिस्टोलेटिका, ये जो डिजेंट्री होती है खासतौर पर, इसमें फ्लैजल देते हैं कॉमनली, तो एंटाबिबा हिस्टोलेटिका होती है। इसके अलावा एस्कैरस जो है वॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये भी इसमें आ जाते हैं वॉर्म्स वगैरह। कैन ऑल काज डिजीजेज इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में डिजीजेज काज कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन्स रिजल्ट इन डायरिया और डिजेंट्री, नाजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो भी देखे गए, वेरी कॉमन। तो इसमें बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर हो सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, लेकिन कोई डिजीज काजिंग जो है ना बाद में अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होगा, एजिंग होगी या कोई डिजीज होगी तो वो एंटर हो जाते हैं और डिजीज काज करते हैं। हेयर इज द फिगर शोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इनके भी चैप्टर अलग बनाए हुए हैं, जैसे मैंने गट माइक्रोबायोटा का बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में कौन कौन से गट के अंदर माइक्रोबायोटा पाया जाता है,
और इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं मेन एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक तो डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज है, मल्टीपल अदर जीआईटी डिजीजेज हैं जो इससे हम बचा सकते हैं। समटाइम लिंक्ड है, ये ब्रेन से लिंक्ड है। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में इसको इनलार्ज करके मैं दिखा देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतने ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सेलम स्टैफिलोकोकस आरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडस है, और डिप्थीरिया डिप्थीराइड है, डिप्थीराइड्स हेमोफिलस स्पीशीज हैं, नीमोकोकाई हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की ये स्पीशीज है। इसी तरह फेरिंग्स में अपर जो हमारे जीआईटी के पार्ट हैं उसमें ये पाए जाते हैं, फिर ओरल कैविटी में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो है, और इसके अलावा नीचे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं वजाइना, और इसमें देखें जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें लैक्टोबेसिलाई एंटेरोकोकाई कैंडिडा एल्बिकेम्स ये फंगस है जो कॉमनली इन्फेक्शन काज करती है, लिकोरिया काज करती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी डिजीजेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, GERD जिसे कहते हैं, ये गैस्ट्रो एसोफेजियल यानी जो HCL है वो मुंह की तरफ या एसोफिगस की तरफ आ जाता है और वहाँ पे पेन प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाता है, तो ये सीवियर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी मेडिसिन है, क्रोनिक डायरिया है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रो इंटराइटिस है, ये इंटराइटिस है, इसके अलावा अल्सर्स वगैरह हैं, पेप्टिक या ड्यूडिनल अल्सर्स हैं, हीमोराइड्स बवासीर को कहते हैं हीमोराइड्स, IBD इरिटेबल बाउल डिजीजेज हैं, इरिटेबल ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये सीलिएक डिजीजेज हैं, ये बच्चों में होती है खासतौर पर, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी पड़ती है उनको, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं ये, इसके अलावा अपेंडिसाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स होता है, कैंसर ऑफ द कोलन या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या स्टोमिक के भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन जो उनकी ये डिजीजेज आगे स्प्रेड हो सकती हैं। तो टेक केयर, और स्पाइसी फूड लेंगे तो साफ सारे बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं, हेल्दी डाइट लेंगे तो प्रॉब्लम कम होंगे आप देख सकते हैं। अब एसोफिगस में GERD, एकलेशिया, कार्डिया, बैरेट एसोफिगस, एसोफिजियल कैंसर भी हो सकते हैं, ये डिजीजेज हैं। स्टोमिक में डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकते हैं। लीवर में जो है ALD, NAFLD, CLD और सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर भी हो सकते हैं, बहुत कॉमन है ये डिजीजें। और GB, ये गॉल स्टोन की जो बीमारी है जिसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है, स्टोन बढ़ जाते हैं, कैल्शियम गॉल ब्लैडर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर पेंक्रियाज की एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस इज़ वेरी कॉमन, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस भी होती है, कैल्शियम जो है पेंक्रियाज, CF पेंक्रियाज जो है इसके रिलेटेड भी ज़्यादा हो जाता है, कैंसर जो डायबिटीज़ के भी केसेस हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले देख लेते हैं, ड्यूडिनल अल्सर है, सीलिएक डिजीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है, IBD इरिटेबल बाउल जो डिजीजेज हैं वो इसमें हो जाती है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में हम बात करें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBD भी हो सकती है जैसे यहाँ पे हुई है तो इसमें भी हो सकती है, CRC भी हो सकती है, और अपेंडिक्स की भी डिजीजेज हैं, रेक्टम की भी हैं, NS की भी बहुत सारे डिजीजेज हैं, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया क्योंकि इतना डिटेल में बताएंगे तो फिर ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि हम दे सकते हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेज ऑफ द स्टमक, डिफरेंट डिजीजेज ऑफ द इंटेस्टाइन की जो डिजीजेज हैं उनमें हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटासिड्स हैं, ये कॉमन एसिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनमें एंटासिड्स देते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके साल्ट्स होते हैं, जेलोसेल है, ट्राइसेल है उसमें बने हुए हैं, ये फॉरी एसिड को कम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करती हैं सिर्फ, ये ड्रग्स बेसिकली नहीं है, ये ड्रग्स तो कहलाती हैं लेकिन ये है कि रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती हैं। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसिमोप्राजोल, रेबिप्राजोल, मल्टीपल नेम्स आर अवेलेबल, PPIs जिसे हम कहते हैं, और ये जो हैं ये भी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स हैं जो कि हमारे स्टोमिक एसिडिटी को, पेप्टिक अल्सर को कम करने के लिए बहुत बहुत बड़ा रोल है इनका, बहुत कॉमन है, और ट्रिपल थेरेपी में, क्वाड्रिपल थेरेपी में ये दिए जाते हैं कॉमन। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, सिमेटिडीन, रेनेटिडीन, फेमोटिडीन, ये ड्रग्स हैं,
मोर्टैलिटी एजेंट्स हैं, मोर्टैलिटी को बढ़ाती है, मेटोक्लोप्रामाइड है फॉर एग्जाम्पल, डोमपेरिडोन है गैस्ट्रोकाइनेटिक्स के तौर पे, प्रोकाइनेटिक के तौर पे ये ड्रग इस्तेमाल होती है। एंटी डायरियल डायरिया के खिलाफ जो इस्तेमाल होती हैं, लोप्रामाइड है, मल्टीपल अदर ड्रग्स आर अवेलेबल। लेक्सेटिव्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में खासतौर पर कैथाल्टिक्स भी देते हैं, मल्टीपल अदर ड्रग्स जो हैं, इसबगोल का छिलका भी है ये भी देते हैं, बहुत सारे और ड्रग्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स हैं, ये खासतौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, एंटी डायरियल, लेक्सेटिव, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी होती हैं, सीलिक डिजीजेज में ये प्रॉब्लम आते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक वो होते हैं जो स्पाज्म आ जाना, स्पाज्म जैसे सख्त हो जाना, जी आई टी का आपस में कंजेस्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाना, तो उसके लिए फिर एंटी स्पाज्मोडिक बस्कोपान ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वो स्पाज्म कम हो, कम से कम हो, डायरिया की कंडीशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें। एंटी सिक्रीटरी हैं, सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशन और ये कम का, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी ये इस्तेमाल होती है। एंटी एमेटिक्स हैं जो एमिसिस के खिलाफ देती हैं, यानी वोमिटिंग के खिलाफ, नाजियन वोमिटिंग जो हो जाती है उसमें, कैंसर में भी होती है, आम जब हम मोशन सिकनेस होती है उसमें भी होती है, उनमें ये ड्रग्स इस्तेमाल होती है, एंटी एमेटिक्स कहा जाता है उनको। एनोरेक्सियंट हैं, भूख ना लगना, जब बंदा कुछ नहीं खाता तो उसके लिए भी कुछ ड्रग्स अवेलेबल है, सेप्रोहेप्टाडीन है, मल्टीपल अदर कीटोटाइफेन है, इस तरह की ड्रग्स हैं जो इनमें दी जा सकती हैं। तो मल्टीपल इनके ड्रग्स हैं जो जी आई टी से रिलेटेड है, एंटी कैंसर ड्रग्स भी हैं जो कैंसर के खिलाफ देंगे, मल्टीपल अदर ड्रग्स हैं जो इनके खिलाफ दी जा सकती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दे सकते हैं, उनके एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज़, वो उसके मुताबिक दी जा सकती है। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड, रेफरेंसेज आर हेयर, आई हैव टेकन फ्रॉम विकिपीडिया एंड मल्टीपल अदर वेबसाइट्स एंड सम अदर बुक्स, इलेन एंड मुरीब एंड द टार्टोरा स्नेल एनोटमी बाई रिजन्स, इसी तरह के बी डी चौरासिया लाइफ साइंस डी के मल्टीपल अदर बुक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर अटेंशन। वी हैव फिनिश्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज वॉच दिस वीडियो properly, fully, and share with the other friends. And please subscribe this channel for more updates.